शास्त्रों में हनुमान जी को कलयुग का देवता कहा गया है और इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप सच्चे मन से रामदूत बजरंग बली की पूजा करते हैं तो बजरंग बली आप पर विशेष कृपा करते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप बजरंग बाण का पाठ करते हैं तो किन नियमों का पालन करना चाहिए और क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। दरअसल कहा जाता है कि अगर आप बजरंग बाण का पाठ करते हैं तो इसमें एक ऐसी चौपाई है जिसमें प्रभु राम की कसम दी जाती है हनुमान जी को। इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी साधारण स्थिति में बजरंग बाण का पाठ ना करके किसी विशेष कार्य को सिद्ध करने के लिए बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए, क्योंकि इसमें प्रभु राम की कसम दी जाती है और किसी छोटे से कार्य को सिद्ध करने के लिए प्रभु राम की कसम देना बजरंग बली जी को अच्छा नहीं लगता है। और अगर आप बजरंग बाण का नियम से पाठ करते हैं तो इसका विशेष लाभ आपको मिलता है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप बजरंग बाण का पाठ कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको प्रभु राम और मां जानकी की आराधना करनी चाहिए, फिर हनुमान चालीसा का पाठ, इसके बाद हनुमान अष्टक और फिर बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए ताकि आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वो जल्द ही बजरंग बली सुन ले और आपके कार्य सिद्ध हों।